Good morning, dear students. Today we will do short question answers of chapter 6, Sam and the Secret Call. Okay, let's start. Question number 1 is, what did Sam do while the dolphins were pushing the boat? Sam ne tab kya kiya jab dolphins बोट को पुश कर रही थी, धक्का दे रही थी. सो द आंसर इज, व्हाइल द डॉल्फिन्स वर पुशिंग द बोट, सैम वाज चेकिंग ऑन अर्मांडो, मेकिंग श्योर ही वाज कंफर्टेबल. सो उस दरमियान जब डॉल्फिन बोट को पुश कर रही थी, धक्का दे रही थी किनारे तक ले जाने के लिए, क्योंकि डॉल्फिन सैम की हेल्प कर रही थी, सैम तब ये चेक कर रहा था कि अर्मांडो जो कि बोट पर बेहोश पड़ा हुआ है उसके डेक पर, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, मीन्स उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, सैम वाज सो रिलीव्ड दैट ही वांटेड टू क्राई, व्हाई डिड ही फील रिलीव्ड. मीन्स सैम बिल्कुल चिंता मुक्त था, मीन्स आराम से था उसका माइंड, रिलीव था वो. वह अब रोना चाहता था, क्यों? व्हाई डिड ही फील रिलीव्ड. अब वह चिंता मुक्त क्यों था, ऐसी क्या चीज़ हो गई थी जो वो उसका माइंड रिलीव था? सो द आंसर इज, सैम वाज रिलीव्ड बिकॉज नाउ ही न्यू दैट द बोट वाज सेफ in the storm and that it the dolphins would take care of it. Sam ab bilkul chinta mukt tha, means usko worry nahi ho rahi thi kyunki ab vah boat par safe tha, surakshit tha us toofan se, storm se, kyunki vah janta tha dolphins aa gayi hain aur dolphins uska khayal खेंगी हैं, डॉल्फिन्स उसकी हेल्प कर रही थी बोट को वापस से किनारे पर ले जाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिड सैम फील स्लीपी. सैम को ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी, वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा था कि उसे बहुत नींद आ रही है? सो द आंसर इज, सैम हैड गॉट ऑन द बोट सून आफ्टर लंच, ऑल्सो द ब्रीज वॉज सो प्लीजेंट and gentle that he lulled him into sleep. Sam तभी दोपहर का लंच करके, खाना खाकर बोट पर आया था और वहाँ की जो, जैसे ही वो लेटा उस बोट पर, वहाँ की जो हवा थी, उस समुद्र की हवा आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी और बहुत सुकून पहुँचाने वाली आ रही थी, जो कि उसको ऐसा लग रहा था कि वह जैसे कि लोरी सुना रही हैं, लल्ड मिस लोरी सुनाना या फिर शांत करना, तो वो नींद में डूब गया था, वह मीन्स सो चुका था. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इट वाज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड, डिस्क्राइब द गेम दैट सैम प्लेड. यह बहुत ही अच्छा गेम था, खेल था जो कि सैम हमेशा से ही खेलना चाहता था. सो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना था जो कि गेम सैम ने खेला था. सो द आंसर इज, प्लेइंग विद द डॉल्फिन्स वाज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड. डॉल्फिन्स के साथ खेलना सबसे ज़्यादा अमेजिंग गेम था जो कि सैम को हमेशा से खेलना चाहता था. सैम उसको और हमेशा से उसको पसंद था. When Sam dove into the water, a few dolphins leaped through the air. जैसे ही सैम पानी के अंदर कूदा, उसने छलांग लगाई, तभी कुछ डॉल्फिन्स हवा में उछली. Then dived just below the surface while Sam swam alongside. जैसे ही जहाँ सैम तैर रहा था, वहीं उसी सरफेस पर, उसी एरिए में वो भी तैर रही थी. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. कुछ डॉल्फिन्स बिल्कुल उसके करीब तैर रही थी और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, सैम को. सो यही गेम था.
जो सैम खेलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 इज एट द एंड ऑफ द स्टोरी अर्मांडो वाज टॉकिंग टू सैम बट सैम वाजंट लिसनिंग व्हाई व्हाट वाज ही थिंकिंग। सो इस स्टोरी के अंत में अर्मांडो सैम से कुछ बातें कर रहा था, बोल रहा था, मगर सैम उसको नहीं सुन रहा था। क्यों? वह क्या सोच रहा था? मीन्स सैम क्या सोच रहा था जो उसकी बातें नहीं सुन रहा था अर्मांडो की। सो द आंसर इज सैम वाज नॉट लिसनिंग व्हेन अर्मांडो वाज टॉकिंग बिकॉज ही वाज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स ही हैड द मोस्ट एडवेंचरस डे ऑफ हिज लाइफ। सैम नहीं सुन रहा था जब अर्मांडो उससे बातें कर रहा था क्योंकि वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, क्योंकि उसने आज बहुत ही एडवेंचरस चीज़ की थी अपनी लाइफ की कि वो डॉल्फिन्स के साथ खेल कर आया था। सो इसी वजह से उसके माइंड में वही थॉट्स चल रहे थे और वह अर्मांडो की बातें नहीं सुन रहा था। So it's completed. I hope you understand it very well. And अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसकी स्टोरी को सुन लीजिए जिससे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में आसानी होगी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।